नमस्कार बच्चों, आज हम आपको करवाएंगे सदैव पुरतो निदेही चरणम। सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदा ही आगे कदम रखो। इसका अर्थ है सदा ही आगे कदम रखो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विचरित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके प्रेरणा राष्ट्र कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो पहला पद पढ़ते हैं, आइए। चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। इसमें शब्दार्थ देखिए, चल चलो, पुरत है आगे, निदेही रखो, चरणम कदम या कदम, सदैव सदा ही। चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। इन दो पंक्तियों का अर्थ ये है। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बल स्वीकयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। इसका देखिए, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय से, निज निकेतनम अपना घर, विनेव बिना ही, यानम सवारी, नगा रोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वीकेयम अपना, बलम शक्ति, साधनम माध्यम। अब देखिए इसका सरलार्थ, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, अतः सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, अतः सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए सदा आगे कदम बढ़ाओ, इसीलिए सदा आगे कदम बढ़ाओ। दोबारा से सुनिए, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, अतः सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, बल स्वीकयम भवति साधनम, अपना बल ही साधन होता है, सदैव पुरतो निदेही चरणम, इसलिए आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अगला देखिए, पथि पाषणा विषमा प्रखरा, हिस्त्रा पेशव पशवा परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। अब इसमें देखिए, पथि मार्ग में, पाषणा पत्थर, ठीक है, विषमा विषम या कठिन, प्रखरा नुकीले, हिस्त्रा हिंसक, परित चारों ओर, घोरा भयानक, सुदुष्करम अत्यधिक कठिनाई से सिद्ध होने वाला, खलु निश्चय ही, यद्यपि हालांकि, गमनम गमन या जाना। मार्ग में विचित्र उबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं। पहली लाइन का देखिए, पथि पाषाणामा विषमा प्रखरा, मार्ग में विचित्र उबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, यद्यपि वहां जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है, फिर भी सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। पथि पाषाणम विषमा प्रखरा, रास्ते में बहुत उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, आगे हिंसा पेशवा परितो घोरा, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि वहां जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है, सदैव पुरतो यद्यपि निदेही चरणम, फिर भी सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अगले में देखिए, जहि ही भीति भज भज शक्तिनम, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम धेम स्वस्मरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। देखिए, जहि ही छोड़ दो या त्याग दो भीति अपने अंदर के डर को, भज जयो, भज जपो, जब किसी चीज़ को जपना होता है, विदेही करो तथा उसी प्रकार, अनुरक्तिम प्रेम, संततम निरंतरम, ये लक्ष्य, डर का त्याग करो,
जही भिधन, डर का त्याग करो, शक्ति को भजो, भज भज शक्ति शक्ति शक्तितम। डर को त्याग दो, शक्ति को भजो, विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, कुरु कुरु सततम धीम शरणम, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, सदा कदम आगे बढ़ाओ, सदा कदम आगे बढ़ाओ। अब देखिए हम आपको दोबारा से इनकी हिंदी हिंदी करवा देते हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। पहले बहरे की देखिए हिंदी, चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। दूसरे में देखिए, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, अतः सवारी के लिए सवारी के बिना ही हमें पर्वत पर जाना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए सदा कदम आगे बढ़ाओ, सदा आगे बढ़ाओ। तीसरे पहरे में देखिए पथी पाषाणम वाले में, मार्ग में विचित्र नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर पशु हैं, जाना यद्यपि वहाँ जाना बहुत ही कठिन है, लेकिन तुम सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अगला पहरा देखिए लास्ट वाला, डर का त्याग करो, शक्ति को भजो, उसी प्रकार राज से प्रेम करो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, सदा कदम आगे बढ़ाओ, सदा कदम आगे बढ़ाओ। अब देखिए हम आपको इसके शब्दार्थ करवाते हैं, पुरतो पुरतः आगे, निदेही रखो, गिरी शिखर है पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनवे बिना नगारोहणम नग जमा आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना पथी मार्ग में, पाषणा पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण या नुकीले, हिंसा हिंसक, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, जही ही छोड़ दो, भज भजो या जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण। देखिए हमने आज आपको इसका शब्द अर्थ करवाया, आज आप इसका अर्थ कीजिए और शब्द अर्थ याद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम आपको एक बार दोबारा से इसके शब्द अर्थ करवा देते हैं यार, पुरतो आगे, निदेही रखो, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतम नम अपना निवास, विनेव बिना ही नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना पथी मार्ग में, पाषणाम पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्णम, हिंसा हिंसक, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर या भयानक, सुदुष्करम अत्यंत, जही ही छोड़ दो, भज भजो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य। बस आज की पाठ चार के शब्दार्थ और इसका भावार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।